लाइव तस्वीरें हैं और दो गुटों में परसों के दिन जो है झगड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है आपस में कुछ विवाद होता है, थाने तहसील हो जाते हैं, लेकिन आपसी समझौता भी जो है हो जाता है। पूरी क्या कहानी है और किस तरीके से इसको देखते हैं, तो भाई नाम बताइए सबसे पहले, क्या नाम है? विनोद कुमार है जी। विनोद कुमार, क्या हुआ था? मैं स्पीडो से फ्रूट लेके आने लग रहा था, असंध सालवन चौक पे मैंने सामान उतारना था। सोनू नाम का बंदा आया और मेरा पीछा किया बाईपास से और बोला जीन चौक पे आकर बोला भाई गड्डी सब्जी मंडी के अंदर लेके चल, वो फ्रूट की भरी हुई थी। तो मैं क्या करता है? फ्रूट का काम करता है। फ्रूट काटती है सोनू? हाँ, वो फ्रूट काटती अभी बना है। अच्छा, काम बेच और सब्जी मंडी में काम करता। अच्छा। है तो के बाद वो मेरे से बोला भाई मंडी ऐसे ऑटो को मंडी में लेके चल। तो मैंने कहा भाई मेरा तो मंडी का माल नहीं है, मेरा वहाँ का माल है, वहाँ पे माल उतारने दे फिर गाड़ी लेके चल पड़ूंगा मैं। अच्छा। फिर वो मेरे साथ मारपीट करने लगा और मैं उतर के टेम्पू से भाग गया और फिर मैंने डरते हुए 112 पे फोन कर दिया। पुलिस आ गई मौके पे, फिर पुलिस ने मौके पे आके कार्रवाई की। कार्रवाई करी तो फिर उसके बाद क्या बात हुई? उसको पकड़ के लेके गए सोनू को? नहीं जी, और सोनू का तो मेरे को नहीं पता। मेरे को फिर समझौता हुआ था क्या? फिर मेरे पास शाम को आए बंदे, भाई अब हम समझौता कर लेते हैं। मैं कहा ठीक है जी, मेरे को समझौता कर लेते हैं, गाड़ी सामान मेरे को दिला दो। तो हम फिर समझौता लेके सर के पास गए। फिर सर बोले भाई बंदे को बुला के ले आओ जो बंदा लड़ाई में था। अच्छा। फिर वो बंदा नहीं था, फिर उसने मना कर दिया समझौते से। मना कर दिया तो कुछ गाड़ी का लॉस भी कोई नहीं से, वैसे मेरे को मारा था बस जी, और वैसे और कुछ नहीं हुआ। मेरे को मारा फिर मैं भाग गया बस। तो आपका बेटा है वो? हाँ, मेरा बेटा। तो क्या बात हुई पता लगा सारा? सारा यू ही बताया, जो कुछ आई वो नूकानू बात है बस। अच्छा। हाँ, तो और कुछ नहीं है, ना कोई पीसा खोसा, ना किसी का फ्रूट खोसा। फ्रूट भी अपना जिसका था उन्हें तैर दिया ओड़ी सालवन चौक पे। उतार दिया? हाँ, फ्रूट तैर दिया। फ्रूट तैर दिया। तो फिर उसके बाद गए थे पुलिस वाले से मिले थे? पुलिस वाले था वो मिलने नहीं दिए। पुलिस वाले क्या कहते नु बोले भाई इतना गल्ला मिलियो बाद में, मिलियो मार मार का उसका इतना बुरा हाल कर रखा है। बिल्कुल इसे मांगा 50,000 रुपये तो उसके गले में था, गला साफ कर दिया किसी ने। उन्हें ठेका लेके गले मोड़ता मंडी में था, 50,000 रुपये गले में था और साफ कर दिया। और के बेरा किसी ने कराई इस बात का? के बेरा जी कोई था ही नहीं उड़ा। कंप्लेंट देगी उस चीज की? मामला तो कुछ नहीं, हम तो ये भी करेंगे जो कुछ करेंगे। हाँ जी, क्या बात हुई बताओ? ऐसे ही है जी, ना मिलने दे रहे उससे और मार मार के उसका बिल्कुल ही बुरा हाल कर रखा है। लील पा रखे उसको और 1,00,000 रुपया मांग रहे हैं। आपने देखा है? नहीं, मेरे को तो मिलने नहीं दिया बिल्कुल भी। हम तो मेरे को तो इधर ही है मंडी में ही गिर रखा है वो पीट पीट के, और ना दिखा रहे हैं ना बात करने दे रहे। डीएसपी साहब को मिलने के लिए आए? हाँ, डीएसपी साहब से मिलने। क्या एप्लीकेशन लेकर गए? यही है इसके 112 पर कॉल कर, यही है निवेदन है कि मैं शीला विधात प्रेमी निवास वार्ड 11 संत तहसील लड़के आशीष उर्फ सोनू के साथ दिनांक 25/7/2022 को विनोद कुमार पुत्र देवा सिंह, तो उसके बाद निवेद कुमार ने 112 कॉल कर दी थी और मौके पर पुलिस आ गई और पुलिस ने मौके पर ही मेरे लड़के आशीष उर्फ सोनू के पास दो लड़के काम करते थे उनको उठा कर ले गए और उसके बाद मेरे लड़के आशीष उर्फ सोनू ने अपनी गलती मान कर माफ़ी मांग ली और उसके बाद मेरे लड़के आशीष उर्फ सोनू ने निवेदन विनोद कुमार पर समझौता हो गया। तो उस दिन कुछ समय बाद समझौते की दरख्वास्त देने के लिए थाना असंध में गए थे तो पुलिस महेंद्र ने हमारी दरख्वास्त लेने पर इनकार कर दिया और जो मेरे लड़के की दुकान से दो लड़कों को ले गए थे तो पुलिस महेंद्र ने 11,000 रुपये लेकर दोनों लड़कों को छोड़ दिया। तो उसके बाद मेरे लड़के आशीष उर्फ सोनू दिनांक 26 को ये पैसे किसने दिए? कौन थे वो? ये पैसे किसने दिए? ये पैसे तो हम नहीं दिए हैं। कौन दे गए? उसके माँ बाप देख आए उसके जो लेके गए थे दो लड़के थे। हाँ, दुकान पर 7:30 बजे तक गले में पैसे लगभग 50,000 गले में पैसे थे, वो भी सेल के पैसे थे जो आशीष उर्फ सोनू को ले गए। तो उसके बाद पैसे भी चोरी हो गए। दो दिन मेरे लड़के को मेरे मिलने नहीं दिया और उसे समय हमें मिलने नहीं दिया है बिल्कुल भी। अभी अभी किससे मिलने के लिए? मैं अपने हस्बैंड से मिलने के लिए आई थी। तो मिल से
मिल रहे हैं? हाँ जी DSP साहब से मिल रहे हैं। हाँ भाई कहाँ गया, कहाँ गया रे? कोई हथियार लाठी डंडों का प्रयोग किया गया तेरे साथ ऊपर? नहीं जी नहीं। अच्छा ऐसा मेरे को थप्पड़ मार रहे थे बस, फिर मैं उतर के भाग गया और मैं वहां से निकल गए थे। हाँ जी ठीक है, समझौता आपका हो गया था? मैं अब समझौता कर रहा हूँ। समझौता देने के लिए आप गए थे पुलिस थाने में उस टाइम? हाँ गए थे जी। अच्छा शाम को बताए अब क्या है, जो बड़े अधिकारी है बड़े अधिकारी से मिलने के लिए आए? SP से मिलने आए। तो SP साहब बैठते हैं तो क्या कहेंगे, कहाँ लड़का आपका पता लग गया? मामने पता नहीं है कहाँ, मारता तो दिखाया नहीं, नाम ना उसका नुबेरा कड़ा तो लकोरा खैर कड़ा नहीं, हमने कोई बेरा नहीं है उसका। देखिए दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, किस प्रकार से उनका बेटा है जो अभी पुलिस बता रहे हैं कि पुलिस अपने साथ लेकर के गई है, कहाँ लेकर के गई है उनको अभी तक नहीं पता। और SP साहब गौरव राजपुरोहित से मिलने के लिए आए हैं, क्या मांग है प्रशासन से आपकी? मेरा बेटा छूटना चाहिए बस, मेरा फैसला होना चाहिए बस। अच्छा हाँ मेरा कोई और नहीं है, मना किसी की कलो कोई बैर नहीं है। पुलिस वाले से मिलने के लिए? माम तो ओड़े गए थे, मान मिला ही नहीं कोई भी, हम उल्टे भेज दिए नुका यहाँ नहीं आओ बस, हम नहीं मिलने देंगे। इंद्र जी एक झगड़ा सामने आया कि कोई फलों की गाड़ी रोकी गई है, तो क्या पूरा मामला है? ये परसों की बात है जी, एक लड़का ऑटो ले रहा, थ्री व्हीलर ले रहा है, गरीब आदमी है विनोद, अपने स्पीडों से स्नो दानाराम रीजन है भाई कास्ट, वो फ्रूट सप्लाई करता है, मतलब किराया करता है फ्रूट का, सफेदों से लेकर यहाँ संद लेकर आ रहा था। तो उसने बताया कि सोनू नाम के लड़के ने उसका ऑटो को जाके सामने अपना बाइक जबरदस्ती डाल गया और उसका ले गया गाड़ी, महामार पिटाई करके उसका ऑटो फल समेत। अच्छा उस पीड़ित ने 112 नंबर पर कॉल की, 12 नंबर की गाड़ी ने जाकर मतलब मौका पर जाकर वो ऑटो को रिकवर कर लिया। और उसके बता रहे हैं समझौता हुआ, कुछ ऐसी बातें नहीं, हमारी नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये समझौते में SC/3799 बिल लगी हुई है, मतलब गाड़ी लोच भी कराया है, रास्ता मार पिटाई करी है, रास्ता रोक किया है, और जिसके साथ जो पीड़ित है वो बाई कास्ट रीजन है, SC कास्ट से है। जैसे वो SP साहब के पास इसकी तफ्तीश से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय कर रहे हैं असंध, फाइल उन्हीं के पास है, आगे ज़्यादा कुछ तो वही बता पाएंगे नहीं क्या।